मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हुई नहीं। 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं, तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते। 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझ कर चलना चाहिए। मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद, जिंदाबाद। ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम और राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है कोई सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है, स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं, बताओ? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे, 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं, तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर मुझे, मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा, अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं, मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है, देश को शंभू प्रसाद अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को ये जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास अचन खान शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के बयानात को, क्या होता है सर, आप खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर जब खाजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती, तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं देश दुनिया मुसलमान देख रहा है। सर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, एक मिनट चाहिए सर। सर मेरा मानना यह है कि आज मैं बहसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, लेट मी स्टैंड एज ए टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से दैट द लाइट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टुडे इज एट इज डिमिस्ड टुडे। सर इन कंक्लूजन मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी है और रहेगी बाबरी मस्जिद, है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद। माननीय 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझकर चलना चाहिए। माननीय जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं माननीय कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। माननीय 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। माननीय 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है, उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। माननीय 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। माननीय 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन माननीय बनने वाला है। माननीय ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसलिए माननीय हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। माननीय जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं
वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया है। राम का राज्य किसी एक धर्म एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है, वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। मान्यवर, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं। मान्यवर, भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधि में रामचरितमानस, उड़िया में तेरह प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण, और शंकरदेव ने भी वर्गीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी अनमन जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तापित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बसा। उराव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती।